बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी बीफ निहारी, जो कि मैं घर के मसाले से बनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया था रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ, 3 बादियान के फूल, पिंच ऑफ मैंने यहाँ पर तंदूरी रेड कलर लिया है, 10 से 12 मैंने लौंगे लिए हैं, 2 टुकड़े मैंने लिए हैं सौंठ के, ड्राई जिंजर, 1 टेबल स्पून मैंने लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया नमक, और ये मैंने 10 से 15 मैंने ली हैं पीपली, और इसको लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी, तो फिर मैं बताती हूँ अगला स्टेप हमने क्या करना है। निहारी बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया था 1/2 कप ऑयल, हम आधा घी और आधा तेल में बनाएंगे। 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी, 1 कप मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये तेजपात। हमने यहाँ ऐड कर दी इसमें तेजपत्ता। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन, 2 मैंने अनियन ले ली थी, इस तरह मैंने इनको काट लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दें, ये भी इसमें ऐड कर दी मैंने। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। अनियन हमारी ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन करी हमने, ज्यादा नहीं करी इसको ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बीफ, बीफ मैंने लिया था यहाँ पर 2 kg, ये इसमें चला जाएगा। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। बीफ को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, उसका अपना भी पानी निकलता है बीफ का, तो उसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसमें वो पानी ना रहे। हमने इसको भून लिया है अच्छे से, इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। वन टू थ्री ये 4 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट तक। मिनट हो गए हैं, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था लहसुन अदरक के साथ भी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो मसाला जो कि अभी हमने पीसा है। 1, 2, 3, 4, ये 5 5 टी स्पून मैंने इसमें निहारी मसाला शामिल कर दिया है। 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। देखें कितना प्यारा कलर आया है इसमें, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। आप लोग भी इसे इसी तरह से बनाइएगा, और मसाला जो मैंने आपको बताया है वो उस तरीके से आप बनाइएगा, फिर बताइएगा मुझे, अपना फीडबैक दीजिएगा किस तरह कैसे बनी आपकी निहारी।
बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है। मसाला हमने 2 मिनट हो गए, हमने अच्छे से निहारी मसाला डाल के उसको हमने भून लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 2 से 3 बोन्स ली थी मैंने यहाँ पर, उसको मैंने बॉईल करने रख दिया था। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि इसके गलने में भी टाइम लगता है। अभी बोन्स ये जो भी हमारी यखनी है, अब मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगी। अब ये इसी यखनी में पकेगी निहारी हमारी। हमें ज़रूरत होगी और पानी की तो हम इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये गोश्त इसी पानी में गलेगा। अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी 45 मिनट्स के लिए। मिलते हैं आपसे 45 मिनट्स के बाद। मिनट्स हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारी निहारी कहां तक पहुंची। ओहो, बहुत मजेदार खुशबू आ रही है। कलर भी देखिए इसका कितना अच्छा आया है और बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है इसमें से। पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया, वही यखनी थी इसमें जो हमने इसमें ऐड की थी। अब हम इसमें से ये तेज पत्ते को निकाल देंगे। तेज पत्ता हमने जिसमें डाला था वो हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैदा। 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया था, इसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाला और इसको इस तरह मिक्स करके इसमें ऐड कर दूंगी अपनी निहारी में। हल्के हल्के से आप इसमें चलाते जाएं और ये मैदा इसमें डालते जाएं। अगर आप इसको डाल के छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। एकदम से इसको ऐड नहीं कीजिएगा, हल्के हल्के इसको ऐड करना और इस तरह चम्मच चलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना पड़े हमारी निहारी में। हमें ज़रूरत होगी तो हम और डाल लेंगे, अब इसमें ज़रूरत नहीं है और डालने की। ये काफ़ी अच्छे से ये ठीक हो गई है हमारी निहारी। अब हमने इसको पकाना है 15-20 मिनट्स के लिए ताकि इसमें अच्छे से और पक जाए। पानी में इसमें और ऐड करूँगी ताकि हमारा ये जो हमने मैदा डाला है इसमें अच्छे से ही पक जाए। मैं इसको ढक रही हूँ ढक्कन इसका। अब 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको रखा है हल्की आंच पे। मिलते हैं आपसे 15 मिनट्स के बाद। 15 मिनट्स हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारी निहारी। माशाल्लाह निहारी हमारी रेडी है। देखें गोश्त भी कितना अच्छे से गल चुका है इसका। कलर भी बहुत अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। निहारी हमारी तैयार है, निहारी हमारी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, बताते हैं आपको। निहारी बनके हमारी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपना फीडबैक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।